आज पूरी दुनिया में मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कोरबा में श्रमिक संगठन एटक ने मानिकपुर स्थित कार्यालय में झंडारोहण किया, शिकागो में मारे गए मजदूरों को नमन किया। इससे पहले श्रमिकों ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा ने मई दिवस पर सभी मजदूरों का अभिनंदन करते हुए कहा कि सरकार कोविड-19 के दौर में श्रमिक के हित के कार्यों को बढ़ावा दे। केंद्र सरकार 8 घंटे कार्य को 12 घंटे करने की योजना बना रही है, जिसका विरोध श्रमिक संगठन करेगा। देखिए, पूरे विश्व में जो है ये आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज से 136 साल पहले शिकागो शहर में सिर्फ कार्य के घंटे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि उस समय जो है 16-16 घंटे का कार्य दिवस हुआ करता था, 12-12 घंटे का कार्य दिवस हुआ करता था। तो मजदूरों ने तय किया कि कार्य दिवस जो है वो 8 घंटे का होना चाहिए। उसी इशू को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन जो है शिकागो शहर में हुआ, और पूंजीपति जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है माने पूरी तरह से जो है चारों तरफ से घेर कर जो है उन्होंने गोली चलाया, और उस गोली में कई मजदूर मारे गए और सबकी जो है लाश बिछी हुई थी। इस बीच एक महिला ने जो है लाल कपड़ा फाड़ कर जो है लाल लोगों के खून से जो है उस झंडे को लगाया, उसको बनाया, और वो एक प्रतीक है कि जो है ये लाल झंडा जो है ये जो है ये संघर्ष का झंडा है, और उसी को उसके बाद से 8 घंटा जो हमारा एक इशू था, उस इशू को जो है पूरे देश में दुनिया के सभी देशों ने जो है आस्ते आस्ते करके जो है 8 घंटे कार्य दिवस को ये अपनाया है, और ये चले आ रहा है। परंतु अभी जो है हमारी सरकार जो है इसका खिलाफ कर रही है, और जो अभी कोर्ट जो आ रहा है श्रम कोड जो आ रहा है उसमें इन्होंने जो है इस 8 घंटे कार्य को ये बदलने जा रहे हैं, इसको 12 घंटे करने जा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन होगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, मैं कोरबा जिले के तमाम लोगों को जो है उसका लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ये उम्मीद के साथ कि कोरबा जिला एक औद्योगिक जिला है, इस जिले में जो है हम लोग सारे जो है धर्म के लोग जो है मिल के रहते हैं, और आने वाले समय में जो है हम लोग सब मिल के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। हम आपको बता दें, 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में कार्य के घंटे को लेकर मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हजारों श्रमिकों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में श्रमिक दिवस पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कामरेड सिंगरावेलु चेट्टियार ने की थी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।